नमस्ते एवरीवन। सो आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि अभी थोड़े दिनों पहले मेरी एक फ्रेंड को हार्ट अटैक आया था। 99% ब्लॉकेजेस आए और उससे आज बात हो रही थी और उसने एक चीज़, एक सलाह जो मैंने उसको और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दी, उसके लिए वो आभार प्रकट कर रही थी। तो ये वीडियो उसी बात पे है कि कैसे शब्दों का सही इस्तेमाल जब हम नहीं करते तो हमारी कई सारी चीज़ें पूरी नहीं होती। कोविड के दौरान मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी एंड हम डॉक्टर के पास जा रहे थे। उस समय आपको पता है हॉस्पिटल जाना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो कई महीने तो हमने अवॉइड ही किया कि हम ना जाएं। बट एक दिन उनकी थोड़ी सी ज़्यादा उनको तबीयत ख़राब महसूस हुई तो हमें था कि अब जाना ही पड़ेगा। तो ऑफकोर्स प्राणिक हीलिंग टेक्निक्स के हिसाब से मास्टर को प्रे करके घर से निकले और जब रास्ते में थे तो पूरे टाइम मेरी प्रार्थना क्या थी, हे भगवान कुछ भी ना निकले, हे भगवान कुछ भी ना निकले। हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी ना निकला, क्योंकि यही तो मेरी प्रार्थना थी कि कुछ भी ना निकले। फिर हम घर आ गए एंड रिपोर्ट्स बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उनकी तबीयत वैसे के वैसे ख़राब, उनको वैसे के वैसे दर्द और जो इश्यूज उस समय हो रहे थे। एंड उसी समय एक मेरी दोस्त जो मेरी मेंटर भी है उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार, मैं जब जा रही थी तो मैं बार बार भगवान को यही बोल रही थी कुछ भी ना निकले, कुछ भी ना निकले। तो फिर मेरी दोस्त ने कहा कि जब तुमने भगवान को, तुम इतना भगवान को मानने वाली हो, तुमने जब भगवान को ये कहा कि कुछ भी ना निकले तो कुछ भी नहीं निकला। तो ये बात एक बहुत दिमाग की बत्ती खोलने वाली बात है कि आप भगवान से मांगते क्या है, क्योंकि भगवान आपकी बात सुनते हैं बट आप क्या मांग रहे हैं। ये मेरा लेसन था। फिर जब दूसरी बार हम डॉक्टर के पास गए तो मैंने बोला, हे भगवान जो भी इनके शरीर में तकलीफ है वो तकलीफ सामने आए और उसका सही इलाज हो। तो शब्दों का चयन हम प्रार्थना करते हैं उसमें भी बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ में। तो यही मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि उसको जब सुबह सुबह हार्ट अटैक आ रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, तो वो बोल रही थी कि आपकी वो बात मेरे दिमाग में हो रही थी कि ये नहीं बोलना है। मेरा बार बार मन से यही निकल रहा था, हे भगवान जो भी मेरी ये तकलीफ का कारण है वो सामने आए और उसका सही से इलाज हो। एंड वो हॉस्पिटल पहुंची, बाकी की कहानी थोड़े दिनों में वो खुद से ही अपने मुख जबानी बताएगी। अभी थोड़ा सा वो हीलिंग फेज में है, तो मैंने उसको बोला एक दिन YouTube का अपना एक वीडियो बनाएंगे जहां तुम अपने मुंह से बताना कि क्या हुआ। बट हियर फॉर ऑल माय व्यूअर्स, जो भी ये YouTube अभी देख रहे हैं या आने वालों दिनों में देखेंगे, या आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिखा सकते हैं कि जब भी प्रार्थना करें शब्दों का सही चयन जरूरी है। Ask and it shall be given to you. So what are you asking? मतलब इतना ये profound है और ये हर चीज में लागू होता है। यहाँ बीमारी की बात है, कई बार हम बोलते हैं, हे भगवान मेरी 2 करोड़ की लॉटरी खुलवा देना, हे भगवान मेरी 2 करोड़ की लॉटरी खुलवा देना। लो जी आपकी लॉटरी खुल गई, अब क्या करोगे? क्या आपने भगवान से मांगा कि वो जब 2 करोड़ की लॉटरी खुले तो आपके बच्चे या आपके पति उसमें से पैसा गैम्बलिंग में ना लगाए? क्या आपने भगवान से ये बोला कि आपके घर में कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी ना आए जिसमें वो 2 करोड़ में से वो पैसा काम में आए? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जब भी कुछ मांगे ध्यान से सोच के समझ के मांगिए, क्योंकि भगवान तो आपकी बात पूरी कर देगा बट आपने क्या मांगा है। So this was a video which I wanted to create awareness, क्योंकि ये मेरी friend यही बोल रही थी कि अब वो अपने mother-in-law भी, usually mother-in-laws का वो रहता है ना, हे भगवान मेरे कोई बीमारी ना निकले, हे भगवान मेरे कोई, तो आपकी बीमारी डिटेक्ट ही नहीं होती। तो अब ये लड़की, क्योंकि इसके जीवन में इतना बड़ा
इसने अनुभव किया एक चीज को, तो ये सबको यही बोल रही है कि कभी ये मत बोलो कि ये निकले ना निकले ना। अरे जब डॉक्टर के पास जा रहे हो तो बीमारी तो वो पकड़ पाए, सही तरीके से आपकी बीमारी पकड़ पाए और सही इलाज भी दे पाए। कई बार आप देखते हैं डॉक्टर्स ऐसी दवाइयां दे देते हैं, इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है, नुकसान हो जाता है। इसीलिए अगेन, ये जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे गुरु की टीचिंग्स के द्वारा ही आता है। शब्दों का सही चयन जरूरी है। इसलिए भगवान ना करे आपके घर में कभी कोई बीमार है, तो भगवान से ये प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, जो भी इस पर्सन की तकलीफ है, बीमारी है, वो डॉक्टर पकड़ पाए, हमारे सामने आए, प्लस उसका सोल्यूशन भी आए, वो बीमारी ठीक करने का सही इलाज, सही दवाई वो डॉक्टर आपको दे पाए। ओके? और शीघ्र अच्छे से वो बीमारी ठीक हो जाए। कई लोग कहते हैं, हे भगवान, मेरे तो इस बीमारी से जल्दी छुटकारा मिल जाए, या मेरे इस फैमिली मेंबर को जल्दी छुटकारा मिल जाए। मृत्यु से भी छुटकारा मिल सकता है उस फैमिली मेंबर को। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स। सही शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी। आपको कहना है, हे भगवान, वो जल्दी से स्वस्थ होके खुशहाल जिंदगी जिए। अगेन, ये मेरे गुरु की टीचिंग्स है। सो और इसी बात पे अगर आपका मन हो प्राणिक हीलिंग सीखने का, कहीं से भी, किसी भी शहर से आप हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आई विल रीच यू एंड आपके लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगी ये टीचिंग्स, क्योंकि ये टीचिंग से मेरी जिंदगी को बहुत बदला है। आप देख रहे हैं, एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटी सी प्रार्थना, उसमें कितना कुछ हो सकता है। सो ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में फैलाइए, ताकि प्रेयर के शब्दों का चुनाव करने की सबको ताकत पता हो और सही शब्दों का वो इस्तेमाल कर सके, ऐसा उनको पता होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग, अगर आपके जीवन में कोई बहुत सारी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसकी आपको सही प्रेयर बनानी नहीं आ रही है, कुछ लोग, हाँ, सारे लोग लिख देंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बट कुछ लोग जिनको जेन्युइनली नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही शब्दों का चुनाव करें, वो लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं मेरी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार आपको सही प्रेयर बता पाऊंगी, ऐसा कोशिश करूंगी। ठीक है, आत्मा नमस्ते एवरीवन। सो सभी लोग अच्छा खुशहाल जीवन जिए, और दिमाग का इस्तेमाल हर पल हर घड़ी हमें करना बहुत जरूरी है। सो इसी बात पे चलिए एक कहानी सुना देती हूँ आपको। एक बार एक राजा, उनकी सबसे प्यारी बेटी, बहुत वो अपनी बेटी से प्यार कर रहे हैं और खूब अपनी बेटी को चाहते हैं वो। एक दिन बेटी कहती है, मैं शहर को जाऊंगी, राजमहल से बाहर। तो राजा कहते हैं, ठीक है, शहर, घर में तो वो नाजोपली रहती है, और वो शहर में निकलती है, तो कहीं जाते जाते उसको एक कांटा छुप जाता है। तो वो घर आती है और रोने लग जाती है, काफ़ी सारा खून भी निकल जाता है। राजा इतना गुस्से में आ जाते हैं, राजा एक फरमान छोड़ते हैं, कल से पूरे शहर में चमड़ा बिछा दिया जाए। अब जो राजा के दरबार में जो मंत्री थे, बीरबल टाइप है, वह भी एक पर्सन थे, ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा, इतना सारा चमड़ा कैसे, अव्वल तो ये पॉसिबल कैसे हो पूरा राज्य में बिछाना, दूसरा कितने जानवरों की हत्या हो जाएगी वो चमड़ा बिछाने के लिए। तो उनके दिमाग की बत्ती खुलती है और वो राजा को बोलते हैं, राजा जी, सारे राज्य में अगर हम चमड़ा फैलाएं, इससे अच्छा आपकी बेटी के लिए चमड़े के जूते बना दें। तो चमड़ा उसके पाँव में, उस जमाने में जूते नहीं होते थे, तो वहीं से मे भी शुरू हुआ होगा, आई डोंट नो, बट उस लड़की के लिए, पाँव के लिए जूते ऐसा बनाए गए चमड़े के, ताकि उसको जब वो घर से बाहर निकले, राजमहल से बाहर निकले, कांटा ना चुभे। सो ये कुछ चीजें होती है जो हमको सही सोचना, सही करना सिखाती है। तो आपकी जिंदगी में भी जब भी ऐसी स्थिति में पहुंचे, थोड़ा सा 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए, एंड देन डू समथिंग।
आई एम श्योर अच्छा ही होगा. सो आत्मनमस्ते एवरीवन, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड. मे यू ऑल बी ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ विजडम एंड इंटेलिजेंस टू लीड अ हैप्पी हेल्दी एंड अ क्वालिटी लाइफ.